हम अपने शरीर में रहते हुए इस शरीर से चैतन्य रूप होकर के कैसे निकलें। कपिल देव जी ने कहा, हे माँ, जब हम ऐसी साधना करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परम ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, शिवोऽहम् शिवोऽहम्, इनका बार बार अभ्यास करते करते यह शरीर भी दिव्यता को प्राप्त होने लगता है। बाबा हम लोगों को हमेशा कहते थे, बच्चा मैं ना मैं देव हूं, ना गंधर्व हूं, ना यक्ष हूं, ना किन्नर हूं, ना मैं जटा जुटधारी देव रहा बाबा हूं, मैं बोध स्वरूप हूं, मैं परम ब्रह्म का बोध स्वरूप हूं। बच्चा मेरी अवस्था कोई नहीं जान सकता, मैं चिन्मय हूं और मैं सदैव सर्वत्र निवास करता हूं। कपिल देव जी कहते हैं, हे माता, ठीक वैसे ही जब हम निरंतर अभ्यास करते करते शरीर को अपने से जब अलग मान लेते हैं और जब हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध होता है तो हमें समझ लग जाती है कि यह शरीर तब तक मुझे धारण करना है जब तक मैं चाहूं। उसके बाद योगी संत सिद्ध सब इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। देवराहा बाबा सरकार ने कायाकल्प किया, इच्छा मृत्यु, पितामह भीष्म को प्राप्त था इच्छा मृत्यु, बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? क्योंकि वो आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी। प्रहलाद जी को भी प्राप्त है, वो जब चाहें अपने अपने आप को अपने शरीर से अलग कर लेंगे। बाबा ने बताया कि बच्चा मेरी उम्र एक पहर रोज बढ़ जाती है, इसका क्या रहस्य है? ये अभी आपको बाद में बताएंगे। तो ये होता है आत्मचिंतन। जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा चित्त वृत्ति शरीर से हटने लगता है और यह शरीर हमारे आत्मा का रहने का स्थान है, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। जैसे आप किसी भी कमरे में, घर में रहते हैं, आपका वो स्थान है, आप वो नहीं हैं। अगर घर की दीवार झड़ने लगे तो आपकी क्षति नहीं होती, ऐसे ही ये शरीर, अगर शरीर में कोई क्षति होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि
आपकी क्षति हो रही है, आप तो वैसे ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि ना तुम्हें कोई जला सकता है, यह आत्मा ऐसा है कि ना उसे तुम जला सकते हो, ना भिगा सकते हो, ना काट सकते हो, ना सुखा सकते हो। तो उसी आत्मा की बात हो रही है। तो ये ब्रह्म स्वरूप है और इस स्वरूप में जो स्थित रहते हैं वही ब्रह्म बन जाते हैं और फिर वही बोलते हैं मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। और फिर उन्हें सर्वत्र उस ब्रह्म का अनुभव होने लगा।